इसमें कैश बुक का बैलेंस कितना है? अच्छा, ये 554 क्रेडिट, तो ये क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि ओवरड्राफ्ट हुआ ना, क्रेडिट हो गया। नंबर वन, बैंक चार्जेस कैश बुक में क्रेडिट होंगे। नंबर टू क्या है? नंबर टू, अनक्लियर चेक्स हैं, कैश बुक में नहीं आएंगे। नंबर थ्री, अनप्रेजेंटेड चेक, कैश बुक में नहीं आएंगे। नंबर फोर, अच्छा नंबर फोर में एरर है, 22 की हमने पेमेंट की है और उसे पेमेंट के बजाय रिसिप्ट रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, पेमेंट कहाँ आती है? कैश बुक में क्रेडिट पे, और रिसिप्ट कहाँ आती है? डेबिट पे। क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिया, तो अब करेक्शन क्या होगी? डबल अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, यानी कि डबल 44 से क्रेडिट करेंगे। ठीक है, साइड चेंज होती है तो इफेक्ट डबल हो जाता है ना। नंबर फाइव है डिसऑनर्ड चेक, तो डिसऑनर्ड चेक क्रेडिट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट, डिसऑनर्ड चेक आ गया। नंबर सिक्स है स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट है, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट है, पेमेंट आएगी क्रेडिट साइड। नंबर सेवन है डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं तो बैंक डेबिट हो जाएगा। ठीक है, बैंक डेबिट हो गया। ये ऑन करना था जी, चलो ठीक है, आगे कर लेना। नंबर एट, अच्छा नंबर एट में एरर है, चेक इशू किया, ड्रॉ किया हमने 66 का और रिकॉर्ड किया है 60 से, तो 6 से और रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, ये पेमेंट है, रिसिप्ट है, पेमेंट है, चेक ड्रॉ कर रहे हैं, पेमेंट है, तो 6 से इसको क्रेडिट कर, ठीक है, टोटल कर लेते हैं। राइट, और ये 970 टोटल है, 970 से 62 माइनस करेंगे, इसका एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा 908। एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश। ओके।